हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू testbook.com। गाइस स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के अंदर। आज का जैसे कि आज मंडे है तो आज हम लोग आपका वीकली रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट वीक के अंदर जितने भी जो करंट अफेयर्स हैं या जितने भी टॉप करंट अफेयर्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। लास्ट वीक की जो टॉप 40 करंट अफेयर्स जिनको हम लोग इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सबको मेरा साउंड क्लियरली मिला होगा, ठीक है। और कैसे हैं सब लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट्स के थ्रू बताएं, देन सेशन को स्टार्ट करेंगे। गाइस अगर हम लोग बात करें लास्ट वीक के अंदर बहुत सारे इवेंट्स जिनको हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। इवन अदरवाइज अगर हम लोग बात करें जैसे टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि एवरी संडे हम लोग रिलीज करते हैं, और इसके अलावा 31 से 6 अप्रैल तक के जो भी एटलीस्ट ऐसे इवेंट जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उन सभी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर आपका बनता है उन सभी को हम लोग यहाँ पे आपका रिवाइज करते हैं, ठीक है। सभी को ऑडियो क्लियरली मिल रहा है? यस और नो, जल्दी से कमेंट करें, देन हम लोग सेशन को आपका स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा testbook.com के द्वारा अभी टेक्स्टबुक पास रिलीज किया गया, ठीक है, जिसमें आपको 100+ कोर्सेज, इसके अलावा 10,000+ कंटेंट, इसके अलावा 3,500+ टेस्ट सीरीज और 100+ एग्जाम्स जो जिनको ये कवर अप करते हैं, ठीक है। ओनली 149 रुपीज़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जो नए हैं हमारे साथ या फिर इवन जिन्होंने पहले आपका जिनका टेस्ट पास या टेक्स्टबुक पास जो कि आपका अगर हम लोग बात करें ना कहना कि टेक्स्टबुक पास आपका जिनका एक्सपायर हुआ है तो वो अपने आप को इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, ओके, साउंड या सारी चीजें क्लियर हैं? यस और नो, जल्दी से कमेंट करें, देन सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा विनिंग सॉल्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 आई होप कि एटलीस्ट कोविड-19 की वजह से आपके एग्जामिनेशंस के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, और सारी चीज़ें आपका टाइमली आपको मिल रही होंगी। और कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम्स के लिए आपका जैसे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस या जो सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के काफ़ी अच्छे ढंग से इस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। सब कुछ क्लियर है? यस और नो, जल्दी से एक बार मार्क करें, जन सेशन को आपका स्टार्ट करेंगे। सचिन, सुपर्णा, अरुण, नेहा, रोहित, जूही, आरोही, इसके अलावा विक्की हमारे साथ जुड़े हैं, पिंकू। गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, ठीक है, और आप इवन इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी आप लोग अपनी स्टडीज़ को काफ़ी अच्छा एज प्रोवाइड करेंगे। और रेगुलर बेसिस पे जो जैसे टेक्स्टबुक के द्वारा आपको नई नई चीज़ें कराई, यानी जिसमें यूट्यूब के ऊपर नंबर ऑफ सेशन है या इसके अलावा जो इवन आपके जो कोर्सेज के अंदर बहुत सारे जो जितने भी इवेंट्स या टाइम टू टाइम जो नए नए कोर्सेज कराए जा रहे हैं। गाइज किल कोरोना आपका बाय किया था कोर्स क्या? ओके, हाँ ठीक है, रविराज आपका ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। गाइज सेशन स्टार्ट किया जाए? यस और नो, जल्दी से एक बार मार्क करें और सेशन को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। टॉप 40 इवेंट्स आपका लास्ट वीक के जिनको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और उनसे रिलेट करते जो अपडेट्स हैं उनको हम लोग समझने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए? सब कुछ करेक्ट है, वीडियो, ऑडियो एंड सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ओके, विक्की का बर्थडे है आज, ठीक है। विक्की हमारे बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और हर मतलब इवन कोर्सेज के अंदर भी और अदर्स हर जगह इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। विक्की को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे विक्की, देन सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड ना? एवरीथिंग इज गुड। गाइज अगर हम लोग बात करें वीकली रिविजन सेशन का, ठीक है, वीकली रिविजन सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे हर वीक हर मंडे को हम लोग इसको आपका कंडक्ट करते हैं और जो भी टॉप 40 या 50 इवेंट्स आपके होते हैं लास्ट वीक हैं उन सभी से रिलेट करते जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे आपका स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज गुड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को आपका। इसके अलावा आपका अगर कोई भी क्वेरीज है या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करें तो आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जाम स्पेसिफिक कोई क्वेरी है कि कौन से एग्जामिनेशन के लिए किस टाइप का प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर क्वेश्चन या कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर आफ्टर सेशन भी आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया जाए सेशन को। सभी लोग रेडी हैं? यस और नो, जल्दी से एक बार कमेंट करें, सभी लोग रेडी हैं। अपने स्कोर लिखते जाइएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन जिनको मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। और एटलीस्ट 95% का एक्यूरेसी आप लोगों का होना चाहिए। लास्ट वीक और अभी तक की अगर हम लोग कंपेरिजन करें 95% इसलिए कि क्योंकि ये इसमें से मोस्ट ऑफ इवेंट्स या अराउंड ये मान के चलिए 60-70% इवेंट जो हम लोगों ने पिछले बार आपका स्टडी किए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक काफी अच्छा कमांड और उन्हीं से रिलेट करते हुए क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा रहे हैं। एक बार जल्दी से मैसेज कर दीजिए यस और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, देन सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। सभी लोग आपका स्टार्ट है और विक्की से पार्टी भी लेनी है सभी लोगों को, ठीक है। सो विक्की के घर का एड्रेस पता कर लेते हैं और चलते हैं, आज सभी पार्टी करेंगे, ठीक है, आफ्टर लॉकडाउन। तो हाँ वेरी गुड। चलो स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर, और आपको क्वेश्चन को रीड करना है, देन उसका जो राइट आंसर है उसको मार्क करना है और उससे रिलेट करते हुए फैक्ट्स भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें ना स्क्रीन के ऊपर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है द गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी ऑफ विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट टोटलिंग रुपीज 15,295 crores विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर 3 मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो कल के डेट का जो इवन जो टॉप 10 करंट अफेयर्स के बाद मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपका इंक्लूड किया था। तो किस देश की वित्त पोषण एजेंसी ने 3 मेगा रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कुल 15,295 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अगर हम लोग बात करें जैसे यहाँ पे रेल अवसंरचना, तो रेलवे से रिलेट करते हुए इससे पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनको इस कंट्री के द्वारा फंड किया गया, जिसमें आपका दिल्ली रेलवे है, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो आपका है, इसके अलावा आपका जैसे जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें उसमें भी, या अदर्स बहुत सारे, ठीक है। सो कौन सी कंट्री है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जापान, ठीक है। सो इंडिया और जापान के बीच में अभी रिसेंटली एक ये डील आपका जिसमें जापान के द्वारा आने वाले समय में इन 3 मेगा रेल प्रोजेक्ट, जिसमें अगर हम लोग बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहला प्रोजेक्ट रहेगा, दूसरा आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, और तीसरा आपका जो है वो है मुंबई मेट्रो लाइन आपका, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट जिन ओवरऑल 3 प्रोजेक्ट आपका जिनके ऊपर जो टोटल फंडिंग है आपका कितना 15,295 करोड़ का। देखो ये जितनी भी डील होते हैं ये स्ट्रेटेजिक डील आपके होते हैं। स्ट्रेटेजिक डील होने का मतलब यहाँ पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट शुरू होने के कुछ साल तक आपका प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो या तो बहुत सारे एरियाज में ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। तो जापान के साथ ये डील हुआ, ठीक है, और जापान जहाँ की कैपिटल आपका टोक्यो ओलंपिक अभी आप लोगों ने देखा होगा पोस्टपोन किया गया, ठीक है, और बहुत बड़ा इवेंट था और कोविड-19 के चलते हुए उस इवेंट को पोस्टपोन किया गया था। जापानीज येन या जो जापान की जो करेंसी है वो उसको हम लोग येन के नाम से जानते हैं, और शिंजो आबे जो कि एट प्रेजेंट आपका प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के लिए? जापान के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विल इन्वेस्ट 100 million इनटू द नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) ऑफ इंडिया फंड ऑफ फंड्स? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के कोष के राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (NIIF) में $100 मिलियन का निवेश करेगा? तो अभी एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसके द्वारा NIIF को ज्वाइन किया गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें NIIF या इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका फंड ऑफ फंड्स, ठीक है। तो फंड्स ऑफ फंड के नाम से 2015 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले जैसे AIIB, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि इसका ऑलरेडी पार्ट है। तो अभी एक और एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसके द्वारा रिसेंटली इसको ज्वाइन किया गया और जो कंट्रीब्यूशन इसके द्वारा किया गया आपका वो कितने का? $100 मिलियन का। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना इसकी जो टोटल फंडिंग है वो आपका ऑलमोस्ट $4 बिलियन तक पहुंच चुकी है, ठीक है, इस फंड को अगर आप समझेंगे। तो किसके द्वारा ज्वाइन किया गया? तो जैसे बहुत सारे राइट आंसर्स में देख पा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ADB आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें गरिमा, पंकज, कुंदन, शिवम, सो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने आपका राइट आंसर मार्क किया, ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका, जिसके द्वारा रिसेंटली इस फंड को आपका ज्वाइन किया गया और ओवरऑल जो फंडिंग इसने अपना किया है इसमें $100 मिलियन का, ठीक है। गाइस अपने स्कोर लिखते चलें, ठीक है, एंड ऑफ सेशन की आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किया और उसमें से करेक्ट कितना, ठीक है। डाउन साइड 95% का एक्यूरेसी के ऊपर भी आपको काम करना है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करे और उसमें से, और सो ADB विल नाउ जॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ इन्वेस्टर इन द फंड। सो ऑलरेडी इसका पार्ट है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या AIIB, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है, इस फंड को आपका। अगर हम लोग बात करें ADB का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मेट्रो मनीला फिलीपीन, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है, 1966 जब इसको आपका फाउंड किया गया था, या अदर्स जो भी पॉइंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत ध्यान रखें, या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, या इवन अगर आप AIIB को पढ़ेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, अगेन एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में, और ये सेम जो फंड आपका है ना, ये भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया, ठीक है। और AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे, बीजिंग के अंदर, बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर, और जिन लिकुन जिसके चेयरमैन है। सो कुछ पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, हाँ सुभाष आपका बोल रहे हैं कि सौरभ आपका एक उनका क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के ऊपर, हाँ डेफिनेटली सौरभ आप कमेंट्स के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स बाय NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन अप्रैल 2020। सो अभी NTPC के अंदर आपका जो HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एज ए डायरेक्टर या फिर निदेशक पॉइंट पे किसको अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, ठीक है। सो जो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लास्ट वीक का अपॉइंटमेंट, और किसको अपॉइंट किया गया तो दिलीप कुमार पटेल, जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट है, ठीक है, सरकारी कंपनी है, जिसमें दिलीप कुमार पटेल, ठीक है, जैसे आप इमेज के अंदर देख पा रहे हो, दिलीप कुमार पटेल जिनको अभी रिसेंटली आपका जो ह्यूमन रिसोर्स या फिर जो HR डिपार्टमेंट है उसके अंदर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। तो काफी अलग, जैसे अगर हम लोग बात करें जो बहुत सारे रीजन आपका, बहुत सारे एरियाज जिनके HR हेड होंगे, जिसमें आपका NSPL भिलाई, इसके अलावा सिपात और तांडा, या फिर ऐसी अलग जो अलग अलग एरियाज हैं वहाँ पे, या जितने भी जो प्लांट्स आपके हैं उन सब के अंदर रिक्रूटमेंट या अदर सारी चीजें इनके द्वारा देखी जाएंगी। न्यू दिल्ली जहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका, आपका NTPC का। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन व्यू ऑफ COVID-19 आउटब्रेक, मार्केट डीलिंग विद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉल नोटिस एंड टर्म मनी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसीज, Indian rupee trends, trades, commercial paper and certificate of deposit will be working from dash till April 2020। सो अभी जनरली आपका एक नोटिस जो रिसेंटली RBI के द्वारा रिलीज किया गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए रेगुलेटर का काम करता है, जिसने ये कुछ जो सिक्योरिटीज आपको बताई गई है, जैसे कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी, इसके अलावा इंडियन रूपी ट्रेड और कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये दो मार्केट से आपका रिलेट करते हैं। एक है आपका मनी मार्केट, अब मनी मार्केट मैंने आपको बताया था, और दूसरा किससे रिलेट करता हुआ, आपका फॉरेक्स से रिलेट करता हुआ। इन दोनों मार्केट को रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मार्केट रेगुलेटर है, इन सब से रिलेट करता है। सो इनका इन दोनों मार्केट का जो पहले टाइमिंग था ना, वो था आपका क्या, जनरल, अगर हम लोग जनरल टाइमिंग की बात करें तो 10 AM से लेके 5 PM तक। अभी इसका टाइम ड्यूरेशन आपका जिसको ट्रिम किया गया, कब से लेके कब तक ये पूछा गया, तो 10 AM to 2 PM जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जो ओरिजिनल टाइमिंग है उसको भी आपको ध्यान रखना है, और जो नया टाइमिंग है उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो जनरली जो जनरल टाइम अगर हम लोग बात करें तो 10 AM से लेके आपका 5 PM तक होता था, अभी इसको ट्रिम किया गया, और कितना जो नया टाइमिंग रखा गया वो आपका 10 AM to 2 PM, ठीक है। COVID-19 की वजह से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, COVID-19 की वजह से जैसे कहीं ना कहीं तो मार्केट के अंदर जितने भी जो फ्लक्चुएशंस आपकी हो रही है, या फिर मार्केट अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें इवन स्टॉक मार्केट के अंदर भी, लेकिन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन आने वाले 17 अप्रैल 2020 तक जितने भी जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, या फिर जो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज का जहां पे डीलिंग होते हैं, उन सब का टाइमिंग आपका चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि इनसे रिलेट करते हुए पॉइंट्स मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, RBI के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक है। RBI के बारे में किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। श्री शक्तिकांत दास जो कि 25 नंबर के गवर्नर है। अभी एक न्यूली अपॉइंटेड डिप्टी गवर्नर्स कौन है या कौन से ऐसे डिप्टी गवर्नर जिनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे आपका, जो मैंने आपको बोला था फॉरेक्स, फॉरेक्स स्टैंड फॉर आपका फॉरेन एक्सचेंज। और मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट विच इज डील इन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, मतलब लेस देन 1 ईयर के टाइम ड्यूरेशन के लिए जो आपका काम करता है। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक फैक्ट जिनको आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा अरुण थैंक यू सो मच। हाँ, अरुण ने आपका बोला है कि सेशन को लाइक करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ लाइक कम है। ठीक है, सो आपके लाइक्स हमारे लिए काफी मोटिवेशन होते हैं। सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी स्टूडेंट्स आपका सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको चीजें पसंद आ रही है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द 19th एशियन गेम। सो लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको 19 एशियन गेम्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो अभी रिसेंटली उनके ऊपर आपका एक शुभंकर आपका जो चिन्ह होता है, ठीक है, जैसे कोई भी स्पोर्ट्स आपका कंडक्ट किया जाता है तो उसके लिए लोगो आपका बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग मैस्कट या फिर आपका शुभंकर के नाम से जानते हैं। तो तीन चीजों का आपका कंटेन करते हुए अगर हम लोग बात करें जो एशियन या फिर जो 19 एशियन गेम्स आपके खेले जाएंगे उसके लिए जो आपका ये शुभंकर बनाया गया 3 पार्ट के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से 3 पार्ट आपका इसमें रहेगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका कांग, इसके अलावा लियानिन और इसके अलावा तीसरा आपका चेन। ये 3 चीजों को मिला करके आपका, या इन 3 जैसे जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं इन सबको मिला करके, तो 1 2 3 जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें 19 एशियन गेम का जो वेन्यू है, जैसे लास्ट वीक के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था वेन्यू के ऊपर। ठीक है, जो कि खेले जाएंगे कहाँ पे आपका हैंगजाओ चाइना के अंदर 3 अप्रैल। ठीक है, जनरली यहाँ पे जो खेले जाने थे। ठीक है, और अभी इनको पोस्टपोन भी आपका किया गया है और जो नया डेट आपका दिया गया 10 to 25 सितंबर 2022 के बीच में। और इनके लिए जो ये जो 3 कैरेक्टर है ना, ये कुछ इस तरीके से जिनको आपका डिजाइन किया गया। सो आने वाले समय में आपको देखो ये शुभंकर या फिर आपका मैस्कट के ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। और कब ये ऑर्गेनाइज होंगे, तो 10 to 25 दिसंबर 2022 के बीच में ये इवेंट्स आपके खेले जाएंगे। और कहाँ पे खेले जाएंगे या वेन्यू या अदर्स, जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना। तो ये 3 कैरेक्टर आपका जिनके ऊपर आपका मैस्कट डिजाइन किया गया, किसके लिए, अगर हम लोग बात करें 19 एशियन गेम्स जो कि सितंबर 2022 चाइना के अंदर या चाइना के द्वारा जिनको होस्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन एक इवेंट्स आपका जो कि इंडिया में खेला जाना था बेसिकली। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इन विच कंट्री वाज द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन नवंबर 2020। सो क्वेश्चन आपको ये पूछा गया कि नवंबर 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में खेला जाना था। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप था ये शेड्यूल था आपका इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया इसको होस्ट करने वाला था, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, जैसे कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारे इवेंट्स आपका आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सबसे बड़ा इवेंट जो कि आपका ओलंपिक गेम्स होता है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स जिसको पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो वर्ल्ड एथलेटिक सीरीज आपका उसको भी आपका पोस्टपोन किया गया, अदर्स जैसे विंबलडन आपका पोस्टपोन किया गया, या अदर्स बहुत सारे इवेंट जो कि आपके कैंसिल हुए या फिर आपका पोस्टपोन हुए। सो अगर हम लोग बात करें अंडर 17 विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप का, तो ये ऑर्गेनाइज होना था इंडिया के अंदर 2 से लेके 21 नवंबर 2020 के अंदर। तो अगेन इसको भी आपका पोस्टपोन किया गया और अगला डेट क्या होगा ना, एज सच अभी कोई भी क्लियर कट नहीं है। ठीक है, तो 2021 के अंदर इस इवेंट को कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा अदर्स, उनके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ कहाँ पे खेला जाना था ये इंडिया के अंदर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग has adopted a resolution title global solidarity to fight the coronavirus disease 2019 COVID-19, calling for intensified international cooperations to defeat the pandemic. So अभी जो COVID-19 pandemic या फिर आपका कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक रेजोल्यूशन बेसिकली आपका एक कहीं ना कहीं जिसको हम लोग एक प्रण आपका लिया गया है देश के बहुत सारे या बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, और ये किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज किया गया और किसी भी पैंडेमिक के लिए रिलीज होने वाला ये पहला रेजोल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने इसको आपका अडॉप्ट किया है। सो किसने ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू फाइट कोरोना वायरस डिजीज 2019 कोविड-19 के नाम से एक संकल्प अपनाया है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे UNGA या फिर आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसके द्वारा अभी रिसेंटली ये रेजोल्यूशन आपका या फिर ये जो शपथ ग्रहण लिया गया, ठीक है, जिसमें 188 कंट्रीज आपका जिनके द्वारा इस कहीं ना कहीं इस रेजोल्यूशन के ऊपर या इस जो इस बीमारी से लड़ने के लिए आने वाले समय में किस तरीके से उन कंट्री के जो एफर्ट्स होंगे उन सबके रिगार्डिंग आपका संकल्प लिया गया, ठीक है। सो बेसिकली जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखा गया, इट इज द फर्स्ट such document on the global pandemic to be adopted by the world organizations। तो दुनिया भर के अंदर अभी तक, क्योंकि पिछले बहुत सालों के अंदर आप लोग देखोगा कि ऐसा कोई पेंडेमिक वाला सिचुएशन नहीं था, ठीक है, पहली बार ऐसा सिचुएशन आया है। तो उससे लड़ने के लिए सभी कंट्रीज ने अपनी तरफ से जो बेसिक जैसे बीमारी को रोकने के लिए जो नेशनल बाउंड्रीज को सीज किया जा रहा है या फिर जितना हर संभव प्रयास आपका, जैसे इंडिया के अंदर इवन आपका लॉकडाउन हम लोग अभी फेस करें या अदर कंट्रीज के अंदर भी जो टाइम टू टाइम जितने भी अपडेट, जैसे अभी सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो यूएस के अंदर मोर देन 3 लाख केसेस आपके पहुंचेंगे और सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड कंट्री है वो आपका यूएस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इटली, स्पेन या आपका ईरान या इवन इंडिया के अंदर भी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो डे बाय डे काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस डिजीज से आपका लड़ने के लिए या इस बीमारी से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च हैक द क्राइसिस इंडिया ऑनलाइन हैकाथॉन इन अप्रैल 2020। तो हैक द क्राइसिस इंडिया के नाम से एक ऑनलाइन हैकाथॉन, ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका जैसे जो मतलब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन आपके चल रहे हैं इसमें ऐसे टाइम पे इस डिजीज से लड़ने के लिए ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें आपका क्रिएट की जा सकती हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आपका स्प्रेड किया जा सकता है या किस तरीके से आपका, अगर हम लोग बात करें जो भी वर्क फ्रॉम होम आपका है उसको किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जा सके या फिर जो भी लोग आपके घरों में हैं वो किस तरीके से क्रिएटिविटी आपका कर सके, उन सबके ऊपर आपका ये काम करेगा। तो टाइटल आपका दिया गया इस कैंपेन को आपका हैक द क्राइसिस इंडिया के नाम से। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका संजय धोत्रे, ठीक है। सो संजय धोत्रे एट प्रेजेंट आपका जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड IT, ठीक है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट HRD एंड IT जिनके द्वारा अभी रिसेंटली इस कैंपेन को आपका लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हैक द, अगर हम लोग बात करें कहीं ना कहीं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन आपका, एक ऑनलाइन हैकाथॉन जिसको रिसेंटली आपका रिलीज किया गया। सो इनकी मिनिस्ट्री या फिर अदर्स या फिर कोविड-19 के चलते हुए कौन सा आपका इवेंट्स या फिर कौन सा कैंपेन्स आपका किया गया, तो कैंपेन या फिर ऐसे जो भी मेजर अनाउंसमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर्स इनके द्वारा, उनके ऊपर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान रखेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशंस के अंदर आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which of the following initiative has been formed by the association representing officers of IAS and IPS? So निम्नलिखित में से कौन सी पहल IAS और IPS के अधिकारियों को का प्रतिनिधित्व करने वाला संघों द्वारा बनाएगी। तो अभी एक और कैंपेन आपका जिसका पार्ट होंगे कौन, IAS या IPS ऑफिसर्स, ठीक है, और ये इनके जो आइडियाज हैं या फिर इनके जो थॉट्स हैं, ठीक है, या आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो एट प्रेजेंट आपका जो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे मतलब नए नए इनिशिएटिव्स का रिक्वायरमेंट है, जिससे कि पब्लिक को आपका टाइमली जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो आपका मिले और जो ओवरऑल मैनेजमेंट होना उसको काफी इफेक्टिव तरीके से आपका या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसको काफी इफेक्टिव तरीके से आपका लगाया जाए। तो उसके रिगार्डिंग करुणा के नाम से, ठीक है, करुणा के नाम से एक पहल आपका, और करुणा जो कि डायरेक्टली आपका रिलेट है किससे, ISPCS या इस रोग के अंदर जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स के लिए। तो करुणा के नाम से अगर हम लोग बात करें, जैसे इस करुणा के लिए एक एब्रीविएशन पार्ट, ठीक है, आने वाले समय में आपको ये एब्रीविएशंस भी इवन पूछे आ सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स एंड रिप्रेजेंट अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। सो करुणा को एक फुल फॉर्म भी आपका दिया गया, ठीक है, जो कि आने वाले समय में आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशंस के अंदर। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो सरकार की जो जंग है उसमें आने वाले समय में जो ISPCS का जो सपोर्ट हो सकता है उन सभी के रिगार्डिंग ये काम करेगा। अगला करुणा, अगेन ध्यान रखें, ठीक है, उसका एब्रीविएशंस और किस सेगमेंट्स के ऑफिसर से रिलेट करता हुआ ये इनिशिएटिव लिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, नवीन Chikara has been suspended for 4 years by IAAF athletic integrity unit for falling an out of competition dope test in 2018. To which sport does he belong? So last week के अंदर आपका एक प्लेयर, ठीक है, जो कि जिनका नाम आपका नवीन चिकारा, देखो नवीन चिकारा जनरली इन जुलाई 2018 के अंदर जो स्पोर्ट्स आपके हुए थे उन इवेंट्स के अंदर इनके ब्लड सैंपल्स के अंदर आपका कुछ जो जब इनका सैंपल टेस्ट हुआ था या डोप टेस्ट हुआ था तो उसमें कुछ आपका मेडिसिन्स जो कि कहीं ना कहीं नाडा या फिर आपका वाडा के जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या फिर आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके हिसाब से ये दोषी पाए गए। तो अभी IAAF एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिटी जिसके द्वारा इनको 4 साल के लिए बैन किया गया और इनका जो बैन का टेन्योर स्टार्ट होगा कब से, आपका 2018 से। तो किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको ये पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका शॉर्टपुट, ठीक है, शॉर्टपुट जिसको हम लोग गोला फेंक प्रतियोगिता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। शॉर्टपुट आपका इवेंट जिससे रिलेट करते हैं कौन, आपका नवीन चिकारा, ठीक है। सो अगेन ऐसे जैसे अभी आप लोगों ने प्रीवियस एग्जामिनेशंस के अंदर भी देखा होगा ना कि ऐसे जितने भी प्लेयर्स जिनको आपका नाडा या आपका वाडा, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप लोग जानते हैं ना, वाडा और नाडा, इनके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चंस आपके कराए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इनके द्वारा भी बहुत सारे प्लेयर्स जिनको 2 इयर्स या 4 ईयर के लिए आपका बैन किया गया। तो सेम रो के अंदर आपका अभी एक और प्लेयर जिनको बैन किया गया और नवीन, जिनका नाम है नवीन चिकारा, किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं तो शॉर्टपुट या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गोला फेंक प्रतियोगिता के नाम से जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। विच बैंक हैज लॉन्च बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप एनेबलिंग कस्टमर्स टू अंडरटेक अ स्लो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द नेशनल लॉकडाउन। सो अभी एक बैंक आपका जिसने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या अपकमिंग कस्टमर्स के लिए एक व्हाट्सएप बैंकिंग आपका स्टार्ट किया गया, ठीक है, और एक नंबर इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया। उस नंबर को आप अपने रजिस्टर्ड नंबर के कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर सेव करते हैं और उससे अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जिससे आप सेविंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस इंक्वायरी या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनको अगर आपको ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना है या फिर जो भी लोडिंग या अदर्स इनसे रिलेट करते हैं जो स्कीम्स है उन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो किस बैंक के द्वारा ये सर्विसेज आपका प्रोवाइड किया गया, तो राइट आंसर क्या था आपका ICICI बैंक, ठीक है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक इन इंडिया, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का आपका वाणिज्यिक बैंक है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जिसके द्वारा रिसेंटली व्हाट्सएप बैंकिंग आपका स्टार्ट किया गया, जिसमें इसने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया और जिसके थ्रू जितने भी इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो अपने खाते की शेष राशि, क्रेडिट कार्ड की सीमा या इसके अलावा जो अदर्स जो बेसिक अपडेट्स आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उन सब के बारे में आपका जो कोई भी जानकारी अगर उनको चाहिए तो वो आपका बैंक से ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गाइस आई होप आप सेशन को एंजॉय करेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन आपका द सेंटर एक्सटेंडेड टिल विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इन 2020 द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, permit and registration that expires since February 1st 2020. So अभी केंद्र सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2020 में जितने भी जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो रजिस्ट्रेशन या फिर अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं अगर उनका वैलिडिटी खत्म हो रहा है तो भी उनको आपका ऑटो एक्सटेंड किया गया है अगले 2-3 महीने के लिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए और जो एसेंशियल गुड्स आपके वो टाइमली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका पहुंच सके, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अभी ये जो डेट है उसको आपका एक्सटेंड किया गया कब तक, तो 30 जून। अभी जैसे बहुत सारी चीजें जो आपका 30 जून तक आपका शिफ्ट की गई जिसमें इनकम टैक्स के अगेंस्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था या फिर इवन जो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का जो डेट था ना जो कि आपको कर दिया गया था कब 31 मार्च तक, ठीक है, तो उसको भी एक्सटेंड किया गया। अदर्स बहुत सारे ऐसे डेट जो कि शिफ्ट किया गया कहाँ पे आपका जून 30, 2020 तक, ठीक है। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका रजिस्ट्रेशन या अदर्स ये इनवैलिड हो गए 1 फरवरी तक तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 30 जून तक आपका सरकार के द्वारा आपको टाइम दिया जाएगा उसको रिन्यू करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद आप अपने परमिट से अदर्स इनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, आपका रिन्यू किया जा सकता है। गाइस इसके अलावा एक जरूरी सूचना जो आप सभी को बताना है, ठीक है, अभी टेस्टबुक पास आपका लॉन्च हुआ है। टेस्टबुक पास क्या है आपका, जो अभी तक जैसे क्या होता था टेस्ट पास हम लोग बोलते थे या कोर्स पास, अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है टेस्टबुक पास है, ठीक है। आपको ध्यान कैसे रखना है, टेस्टबुक पास क्या रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट पास एंड कोर्स पास, ठीक है, जिसमें 3500 प्लस आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 100 प्लस आपको लाइव कोर्सेज दिए जाएंगे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 100 प्लस एग्जाम्स को आपका कवर करता है। और कितने रुपीस के अंदर? आपका ओनली 149 के अंदर। तो जो भी स्टूडेंट्स आपका एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओनली 149। अगर आप जैसे ऑफलाइन के अंदर कोई भी बुक लेने भी जाते हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सो 149 के अंदर यहाँ पे आपको 3500 प्लस टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो कोर्सेज जो हमारे लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं, वो सारी चीजें भी आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेट करता हो? आपका ट्राई से रिलेट करता हो, ठीक है। ट्राई हैज आस्क्ड टेलीकॉम ऑपरेटर टू एक्सटेंड दी वैलिडिटी पीरियड टू प्रीपेड यूजर्स to ensure that the subscribers get uninterrupted services during the 21 days lockdown periods. Where is TRAI headquarters? तो TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, ठीक है। तो TRAI क्या है? एक मार्केट रेगुलेटर। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट रेगुलेटर, ठीक है। मार्केट रेगुलेटर या जिसको हम लोग बाजार नीति निर्देशक के नाम से जानते हैं। अब बाजार नीति निर्देशक क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताए थे बैंकिंग के लिए कौन है? आरबीआई, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग को करता है। क्वेश्चन को कैसे समझना है यहाँ से समझे थोड़ा सा। कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए है आपका सेबी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस के लिए है आपका कौन? IRDAI। इसके अलावा पेंशन के लिए PFRDA। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए कौन आ जाएगा? आपका ट्राई। तो जितने भी जो टेलीकॉम से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज, ठीक है, जितने भी टेलीकॉम के कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो रूलिंग बॉडी है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो है आपका ट्राई। इसने अभी एक अनाउंसमेंट किया है, जितने भी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है मार्केट के अंदर, जैसे वोडाफोन, जियो, आइडिया या अदर्स, इन सभी को बोला गया कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनके जो प्रीपेड सेशन है, उनको आपका टिल लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाए और अगर किसी का बैलेंस खत्म भी होता है तो उसको सर्विसेज कंटिन्यू की जाए। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो राइट आंसर क्या होगा? आपका न्यू दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली जहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका? आपका ट्राई का। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जिनको आपको ध्यान रखना है ट्राई से रिलेट करते हुए, ठीक है, जिसमें आपका 20 फरवरी 1997 जब इसको बनाया गया था अंडर ट्राई एक्ट 1997, ठीक है, ट्राई अधिनियम 1997 जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा रामसेवक शर्मा जो कि एट प्रेजेंट चेयरमैन है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो जिसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, which of the following have developed a coronavirus risk tracking applications called Corona Kavach in March 2020? So अभी Corona Kavach के नाम से आपका अगर हम लोग बात करें तो Corona Kavach के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया जिससे आप जिसको आपका वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू अगर आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके नियर बाई के अंदर कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है या फिर कहीं ना कहीं आपके कितने दूरी के ऊपर आपका कोई भी कोरोना पेशेंट है या हाई रिस्क वाले जो एरियाज हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करने में आपका हेल्प करेगा। तो किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये दो मिनिस्ट्री जिनके द्वारा डेवलप किया गया आपका कोरोना कवच के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन। सो ऑप्शन 1 और 2 जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो इन दोनों के द्वारा कहीं ना कहीं the application uses a person's location to access whether they are in a high risk geographical zone or not. So basically आप किस एरिया के अंदर हैं, अगर आप अपना ब्लूटूथ या फिर आपका वाईफाई ऑन रखते हैं तो कहना कि आपके आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ पे कितने कोरोना पेशेंट हैं या फिर जो रिस्क का लेवल है वो किस तरीके से है वहाँ पे, उन सबके रिगार्डिंग आपका। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The government has extended the premium payments period for postal life insurance and rural postal life insurance up to which date without charging any penalty. So दो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपका जो कि जनरली आपका पोस्ट ऑफिस के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें आपका पॉलिसीज कौन कौन से हैं? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरली अगर आप पोस्ट ऑफिस के कस्टमर्स को देखते हैं ना, वो क्या होता है? आपका ऑफलाइन कस्टमर्स होता है, ठीक है। बेसिकली जैसे बैंकिंग वाला मे भी आपका ऑनलाइन आपको देखने के लिए मिलेगा और पोस्टल वाला रूरल ग्रामीण एरिया में आपका क्या होता है, जनरली वो लोग ऑफलाइन बैंकिंग में या ऑफलाइन जो ट्रांजेक्शन है उनमें ज्यादा बिलीव करते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से अगर वो अपने प्रीमियम नहीं पे करें तो उस डेट को भी आपका एक्सटेंड किया गया, कब तक? आपका 30 अप्रैल 2020 तक। तो ऑप्शन 1 क्योंकि राइट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2020 आपका जहां तक इस डेट को आपका एक्सटेंड किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर्स इन अप्रैल 2020। सो लास्ट वीक के अंदर मैंने आपको आरबीआई डिप्टी गवर्नर्स के ऊपर बहुत सारे अपडेट बताए थे, जिसमें आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्टली करेंगे। इसके अलावा आरबीआई के एट प्रेजेंट 3 ही डिप्टी गवर्नर्स हैं। एक डिप्टी गवर्नर जिनका नाम था एनएस विश्वनाथन, ठीक है, एनएस विश्वनाथन, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया था 3 मार्च 2020 को, और अभी रिसेंटली उनका पोर्टफोलियो खत्म हुआ है 31 मार्च को। उसके बाद इनकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है बीपी कनन को और एमके जैन या महेश कुमार जैन के साथ, ठीक है। इसके अलावा देवव्रत पात्रा, जिनको भी आपका कुछ पोर्टफोलियो आपका अलॉट किए गए। तो आरबीआई के जो नए अभी आरबीआई के एक गवर्नर एक डिप्टी गवर्नर जिनको आपका रीअपॉइंट किया गया, उनका नाम क्या है? बीपी कनन। हाँ, वेरी गुड, सभी के आंसर्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आपका करेक्ट है। तो 3 डिप्टी गवर्नर एट प्रेजेंट आरबीआई के लिए, जिसमें महेश कुमार जैन, इसके अलावा माइकल देवव्रत पात्रा और बीपी कनन को, और एनएस विश्वनाथन जिनका अभी टेन्योर पूरा होता है। 3 ईयर के लिए आपका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, अगर आप टेन्योर कार्यकाल की बात करेंगे, और रीअपॉइंटमेंट अगर होगा तो मैक्सिमम फॉर 2 ईयर्स, मैक्सिमम फॉर 2 ईयर है वो आपका। जैसे एनएस विश्वनाथन सर को 1 ईयर के लिए, अभी बीपी कनन को सर को भी अगेन इसी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका अपॉइंट किया है। तो डिप्टी गवर्नर्स के ऊपर अभी कुछ अपडेट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक वर्चुअल G20 मीटिंग आपका जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया। तो इन मार्च 2020 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन participated in the second extraordinary G20 ministers and central banks governors meeting under the presidency of which of the following countries। So अभी G20 आपका, जिसको हम लोग ग्रुप 20 के नाम से जानते हैं, इसकी मीटिंग, जिसमें कुछ दिन पहले आपका इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर के द्वारा जो पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग आपका हुआ था, जिसमें एक वर्चुअल मीटिंग, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस मीटिंग को आपका कंडक्ट किया गया था। सो अभी दूसरा मीटिंग जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर आपका निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा इसको अटेंड किया गया। अब इस साल का जो प्रेसिडेंसी था वो किसके पास था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सऊदी अरब के पास, ठीक है। सो सऊदी अरब जिसकी जो कैपिटल है रियाद, और रियाल यहाँ की करेंसी, तो रियाद एंड रियाल, जिसको अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी रिसेंटली कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मेन एजेंडा आपका था कि G20 नेशंस आपके जितने भी G20 कंट्रीज आपके हैं, वहाँ पे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, या क्या क्या चीज़ों को आपको अपनाना है, या फिर जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस का रिक्वायरमेंट होता है, या फिर जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं टुवर्ड आपका कोविड-19, तो इन सभी के ऊपर आपका किस तरीके से इस चुनौती से बाहर निकलना और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बचाना है, उसके ऊपर मीटिंग। और इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सऊदी अरब। ऐसे जो ग्रुप है उनके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो गाइस इसको ध्यान से रखना आपका। तो G20 2020 होस्ट किया गया था आपका सऊदी अरब के द्वारा, वो आपका वर्चुअली या वर्चुअल वे या फिर ई कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। अगर ये ई कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता तो इसका जो फिजिकल मीटिंग होता वो भी आपका सऊदी अरब के अंदर कंडक्ट किया जाता। अगला क्वेश्चन, सुधीर राजकुमार, ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक रेजिग्नेशन लास्ट वीक के अंदर, ठीक है, सुधीर राजकुमार जिन्होंने रिजाइन किया है कहाँ से? आपका यूनाइटेड नेशंस, और जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा आपका अपॉइंट किया गया था, ठीक है, UNSC में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के अंदर या फिर यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनको अपॉइंट किया गया था। तो कौन से ईयर के अंदर आपका इनका निर्वाचन हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो सुधीर राजकुमार जिन्होंने अभी रिसेंटली आपका यूनाइटेड नेशन से आपका रिजाइन किया, ठीक है, तो कौन से ईयर के अंदर यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, इनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईयर 2017, ठीक है, 2017 आपका जब अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि एट प्रेजेंट आपका सेक्रेटरी जनरल है, इसके अलावा 1945 या 24 अक्टूबर 1945 जब फाउंड किया गया था, किसको? आपका यूएन को। अच्छा, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशंस का। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, 6 लैंग्वेजेस, 5 परमानेंट मेंबर्स, ओवरऑल आपका 15 मेंबर्स, 193 कंट्रीज, या तो जो भी अपडेट्स हैं जिनको अगेन आपको ध्यान रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे प्लीज। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिकमेंडेड बियर बाइल फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। सो बियर बाइल जो भालू की जो पित्त होती है उसको आपका इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो भी एंशियंट आपका मेडिसिन है वहाँ या आयुर्वेद जो मेडिसिन है उसमें भी बहुत बार यूज किया जाता है। तो अभी कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज 2019 के ट्रीटमेंट के लिए भी आपका बियर बाइल को यूज किया जाएगा इस कंट्री के हिसाब से, और कंट्री का नाम है आपका चाइना। तो चाइना जिसके द्वारा ये अनाउंसमेंट दिया गया था, ठीक है। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी जो कि राइट आंसर होगा, न्यूयॉर्क सिटी। और पहली बार वर्क फ्रॉम होम का आपका कॉन्सेप्ट चलाया गया किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। तो अब बियर बाइल किसके द्वारा यूज किया गया, तो राइट आंसर या किसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया, तो चाइना। और चाइना के द्वारा टेनरी क्विंग के नाम से आपका एक वैक्सीन या फिर एक इंजेक्शन जिसमें इसको यूज किया जाएगा। इवन अदर्स भी बहुत सारे जो डिजीज है जिनके इलाज के लिए इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी इज आर बीइंग इन्वोक्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु मेलिंगली do act which is likely to spread the infection of any disease dangerous to life। So अगर हम लोग बात करें अभी जैसे कोविड-19 है, ऐसी ही जितनी भी और बीमारियां होती हैं, तो जो लोग जानबूझ के ऐसे डिजीज को आपका फैला रहे हैं उनके लिए अभी रिसेंटली आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड के कुछ सेक्शन जिनको आपका एक्टिव किया गया, और सेक्शन कौन कौन से हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन 269 एंड सेक्शन 270। सेक्शन 269 जिसमें आपका 6 मंथ का जेल हो सकता है, और आपका अगर हम लोग बात करें 270 का, तो यहाँ पे 2 साल तक की जेल हो सकती है। तो 2 साल तक का जेल और पेनल्टी, ठीक है। सो ऑप्शन 4 आपका जो कि राइट आंसर होगा, सेक्शन 269 और सेक्शन 270 जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 269 और 270 जो कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपका जो ऐसी जो बीमारियां उनको जानबूझ के फैला रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में आपका एक्शन लेने के लिए। अगला क्वेश्चन, अर्जुन देव पास्ड अवे इन मार्च 2020। सो अभी लास्ट वीक के अंदर अर्जुन देव का निधन हुआ, ठीक है। ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, तो ये अर्जुन देव किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो लेक्चरर या फिर ऑथर एंड राइटर थे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री या इतिहास के आपके लेखक थे कौन, अर्जुन देव आपका, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर इनके बहुत सारे बुक्स आप लोगों ने देखी होंगी, ठीक है। सो अर्जुन देव जो कि कहीं ना कहीं आपका एक हिस्ट्री के प्रोफेसर, और हिस्ट्री के अंदर इनके द्वारा बहुत सारे बुक्स जो लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल-फरवरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 डिप बाय हाउ मच परसेंटेज टू 292.91 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल फरवरी के दौरान निर्यात कितने से घटकर आपका 292.91 बिलियन डॉलर हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1.5%, जिसके चलते हुए अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया गया आपका 1 ईयर से, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये पोर्शन है जिसको आपको ध्यान रखना है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया गया बाय 1 ईयर। अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था एग्जिस्टिंग वो था 2015 से लेकर 20 तक, और अभी इसको आपका 1 साल से बढ़ा दिया गया, मतलब 31 मार्च 2021 तक ये पॉलिसी आपका इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। मे बी आपको जो डेटा मैंने पूछा वो ना पूछ के, बल्कि इस क्वेश्चन के ऊपर पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी ना काफी हाई है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड किया गया बाय 1 ईयर। अगला क्वेश्चन, The oldest Grand Slam tennis tournament has been cancelled for the first time since World War II because of the coronavirus pandemic. So COVID-19 के चलते हुए दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो कि है आपका कौन सा, विंबलडन। सो विंबलडन आपका जिसको अभी रिसेंटली पोस्टपोन किया गया, ठीक है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब विंबलडन आपका जो ग्रैंड स्लैम जिसको रिसेंटली क्या किया गया आपका पोस्टपोन किया गया 2021 के लिए। तो अगेन इस पॉइंट को ध्यान रखें या इससे रिलेट के जो अपडेट्स। इसके अलावा एक नई चीज जो आपका लॉन्च किया गया वो है आपका टेक्स्टबुक पास, ठीक है। टेक्स्टबुक पास जो कि कॉम्बिनेशन आपका टेस्ट सीरीज एंड वीडियो क्लासेस का। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स आपके हैं जिन्होंने अभी तक इसको परचेज नहीं किया, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ओनली 149 रुपीज के अंदर ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें 3500 प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट दैट विल यूज द स्मार्टफोन लोकेशन डेटा एंड ब्लूटूथ टू चेक इफ यू हैव बीन नियर अ कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन एरिया। तो अभी एक नया एप्लीकेशन आपका, और एप्लीकेशन को नाम दिया गया आपका आरोग्य सेतु। तो आरोग्य सेतु के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। जिसमें आप जो टाइमली अपडेट्स हैं कोविड-19 से रिलेट करते हुए वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हो सकती हैं, आप इस डिजीज से किस तरीके से बच सकते हैं, उन सबके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आपका प्रोवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन, एक मिशन आपका जो कि अभी लॉन्च किया गया है किसके नाम से, सनराइज के नाम से, और जो कहीं ना कहीं किसके रिगार्डिंग आपका, टू स्टडी हाउ द सन क्रिएट्स एंड रिलीज जाइंट सोलर पार्टिकल्स स्टॉर्म। सो किस तरीके से आपका सूर्य का निर्माण हुआ था और किस तरीके से सूर्य आपका जो सूर्य सौर किरण की वजह से जो तूफान आपके आते हैं उन सबको स्टडी करने के लिए, जिससे कि आने वाले समय में मून या फिर अदर्स जो भी प्लेनेट है उनके ऊपर जो एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है तो वहाँ पे उनकी जो भी अगर हम लोग बात करें उन एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेल्प करेगा। तो सनराइज, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा आपका, सन रेडियो इंटरफ्रोमेटर्स स्पेस एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, नासा के द्वारा। तो अगेन दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक तो आपको सनराइज का फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा सनराइज किसका मिशन है और किसके लिए काम करेगा, तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। तो नासा के द्वारा, अभी नासा के साइंटिस्ट जिनके द्वारा इस मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। सो एक और इवेंट जो पोस्टपोन किया गया, जो जनरली वर्ल्ड जो आपका टोक्यो जो ओलंपिक गेम्स या टोक्यो ओलंपिक गेम्स है उनके बाद एक खेला जाना था, ठीक है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक गेम भी आपका पोस्टपोन किया गया। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ खेली जानी थी, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ओरेगन के अंदर, ठीक है। तो ओरेगन जहाँ पे ये शेड्यूल था और अभी अगेन इसको भी क्या किया जाएगा आपका, पोस्टपोन किया जाएगा, ठीक है। तो 6 से लेके 15 अगस्त 2021 के बीच में इसको आपका ओरेगन जहाँ पे इसको खेला जाना था और अभी आने वाले समय में इसको भी क्या किया जाएगा आपका, पोस्टपोन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज उड़ीसा डे आल्सो नोन एज उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सो उड़ीसा दिवस या फिर आपका उत्कल दिवस जब आपका उड़ीसा को बनाया गया था, ठीक है, तो उसकी याद में हर साल कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो डेज के अंदर आपका 1 अप्रैल जब हम लोग मतलब 1 अप्रैल 1936 1936 आपका जब बनाया गया था, किसको, उड़ीसा को अलग किया गया था, किससे आपका, अगर हम लोग बात करें बिहार एंड बंगाल से, ठीक है। तो उसी के उसमें हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है आपका उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के रूप में जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑब्विचुरी से रिलेट करता हुआ, फिलिप एंडरसन पास्ड अवे इन मार्च 2020 इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज। सो फिजिक्स के अंदर आपका नोबेल प्राइज मिला था किसको, फिलिप्स एंडरसन को, ठीक है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। सो फिजिक्स के अंदर आपका नोबेल प्राइज विनर जो है आपका फिलिप एंडरसन, जिनका लास्ट वीक के अंदर निधन हुआ, और 1977, ठीक है, 1977 आपका जब इनको फिजिक्स के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लास एलॉय या अदर्स बहुत सारे एरियाज जिनके ऊपर इनके द्वारा काम किया गया था। 1977 के फिजिक्स के नोबेल प्राइज विनर फिलिप एंडरसन, जिनका लास्ट वीक के अंदर निधन हुआ है, ठीक है। तो अगेन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, अंडर विच प्रोजेक्ट हैव द साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIIS बेंगलुरु डेवलप अ प्रोटोटाइप ऑफ इंडिजियस वेंटिलेटर। सो अभी लास्ट वीक के अंदर एक वेंटिलेटर आपका जिसको IIIS या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया। सो इसको नाम क्या दिया गया, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है, प्राण के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो प्राण जो कि इसको नाम दिया गया, ठीक है। सो प्राण के नाम से आपका जाना गया और जिसके ऊपर आपका IIIS बेंगलुरु के जो स्टूडेंट्स या जो रिसर्च वर्क है वो सारे काम कर रहे हैं। अगला, वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस कोप 26 क्लाइमेट चेंज समिट ड्यू टू टेक प्लेस इन नवंबर 2020। सो नवंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र कोप 26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होना था, ठीक है। सो अभी अगेन इसको भी पोस्टपोन किया गया और ये कहाँ पे होना चाहिए था, ग्लासगो स्कॉटलैंड, जहाँ पे इसको आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ यूके की मदद से। इसको आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो इस ग्लासगो जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अगेन एक और इवेंट्स या अगर हम लोग बात करें जलवायु परिवर्तन के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा इवेंट, जिसमें ऑलमोस्ट 30,000 पीपल आपका या डेलीगेट्स जो कि पार्टिसिपेट करने वाले थे मोर देन 200 कंट्रीज से आपका, ठीक है। तो 10 डेज का ये इवेंट जिसको कोविड-19 के चलते हुए पोस्टपोन किया गया। अगला क्वेश्चन, who was sworn in as a permanent judge of the Common High Courts of Jammu and Kashmir in Ladakh. So आपका अभी अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहला जो हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो किसको किया गया, तो जो राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो है आपका जस्टिस राजेश ओसवाल। ठीक है, तो जस्टिस राजेश ओसवाल जो कि द फर्स्ट जज ऑफ हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गीता मित्तल जो कि आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे जो कि चीफ जस्टिस हैं आपका यहाँ के लिए और जिनके द्वारा शपथ ग्रहण दिलाया गया किसको, जस्टिस रजनेश ओसवाल को। ठीक है, रजनेश ओसवाल जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका टोनी लुइस। ठीक है, टोनी लुइस जिनके द्वारा डगलस लुइस आपका जो रूल है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और अब क्वेश्चन आपको ये पूछा गया ना कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा डगलस लुइस जो रूल है आपका उसको कब से इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो डगलस लुइस जैसा आप लोग देखते होंगे बैड लाइटिंग या फिर आपका रेन या इनकी वजह से जब कभी भी किसी भी मैच के जो ओवर्स हैं उनको कम किया जाता है तो वहां पे यूज होता है। तो कौन से ईयर के अंदर आपका डगलस लुइस रूल को आपका फॉलो किया गया था, तो राइट आंसर क्या होगा 1999। ठीक है, तो डगलस लुइस आपका जो कि नियम आपका 1999 और जिसको जिसके जो फाउंडर थे वो था आपका टोनी लुइस और डगलस जो कि इनके फ्रेंड्स थे आपका मैथमेटिशियन, उन दोनों के द्वारा। तो टोनी लुइस जिनका अभी रिसेंटली क्या हुआ आपका निधन हुआ। ठीक है, सो फ्रैंक डकवर्थ जो कि इनके फ्रेंड मैथमेटिशियन जिनके साथ मिलकर इन्होंने इस रूल को आपका डेवलप किया था। तो अगेन डगलस लुइस के ऊपर ये बहुत बार यूज होता है, तो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर। अगला आपका विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स इन नवंबर 2021। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा चाइना। ठीक है, तो चाइना जो कि इन इवेंट्स को आपका होस्ट करने वाला। ठीक है, सो जो डेट है आपका वो है, अगर हम लोग डेट की बात करें 20 से लेके 21 ऑफ नवंबर 2021 के बीच में ये इवेंट्स आपके चीन के अंदर, और इससे पहले भी लास्ट जो इवेंट हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था, चाइना के अंदर। अगला क्वेश्चन, इन अप्रैल 2020 रॉबर्ट वेंगटन हैज बीन क्राउडेड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन, इन विच ईयर वाज ही बोर्न। सो इनका जन्म किस साल हुआ था। ठीक है, सो रॉबर्ट वेटन जिनको आपका दुनिया का सबसे पुराना या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आपका घोषित किया गया, तो कौन से साल में इनका जन्म हुआ था, तो 1908 या 1908 जब इनका आपका जन्म हुआ था। तो ब्रिटेन के रहने वाले ब्रिटिश पर्सनैलिटी आपका, इनका 112वां जन्मदिन अभी रिसेंटली मनाया गया था। ठीक है, और इससे पहले आपका जापान के थे और जिनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ यूनिक कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर। तो कोरोना केयर के नाम से एक पॉलिसी आपका बजाज एलियांस के साथ मिलकर किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका फोन पे। तो फोन पे जिसके द्वारा अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया, तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस और फोन पे के द्वारा 156 रुपए के प्रीमियम के साथ, जिसमें जो भी आप अपना जैसे कोरोना टेस्ट या आधा जो ट्रीटमेंट है 50,000 रुपए तक का आपको समय शॉर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्मल सिंह खालसा पास्ड अवे इन अप्रैल 2020, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्मश्री फॉर द कंट्रीब्यूशन टू गुरबानी म्यूजिक। सो गुरबानी म्यूजिक आपका जैसे गोल्डन टेम्पल के अंदर इनके द्वारा बहुत लंबे समय से सर्विस दी गई थी, अभी कोरोना वायरस के चलते हुए इनकी डेथ हुई, तो कौन से साल के अंदर इनको आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 2009 जो कि राइट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, सो अगला जो इवेंट्स है वो है आपका टेस्टबुक पास से रिलेट करते हुए। गाइस अभी टेस्टबुक के द्वारा आपका एक नया इनिशिएटिव जो कि टेस्ट सीरीज और आपका कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो ओनली 149 के अंदर आपका, जिसमें आपको 3500 प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आपका 100 प्लस कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो गाइस जितने भी जो भी स्टूडेंट जिनके पास कोर्स पास नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप इसके अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे लास्ट वीक के अंदर जो अपडेट्स थे। ठीक है, तो कैसा रहा सेशन जरा कमेंट्स के थ्रू बताएं, और आफ्टर सेशन आज का जो वो रहेगा ना, वो रहेगा आपका कोविड-19 का जो इफेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, आज आपको जो पॉइंट लिखना है, ठीक है, जो आपका होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, कोविड आपका इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आपको एक मतलब 120 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो जो कोरोना वायरस है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो जिसके ऊपर आपको ना 120 वर्ड के अराउंड या उससे नीचे आपका, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, 120 वर्ड या इवन अगर आप 30 वर्ड के अंदर भी लिख सकें या फिर आप लाइनर्स के थ्रू आप लिखें, तो कल हम लोग जब सेशन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कौन कौन लिखेगा इसके बारे में जल्दी से बताएं जरा। इसके अलावा विनिंग सॉल्यूशंस कोविड-19 के ड्यूरेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया गया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से कोविड-19 से के ड्यूरेशन में आप अपनी स्टडीज को इस प्रोवाइड कर सकते हैं और इस डिजीज से कैसे बचना उन सबके रिगार्डिंग ये मैनुअल आपका बनाया गया। सो आप होमवर्क सबको पता चल गया, ठीक है। और आफ्टर सेशन आप मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, ठीक है। होमवर्क आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सेशन कैसा लगा और आपके स्कोर जो है ना वो आफ्टर सेशन कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना है, ठीक है। सो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने इसके अंदर आपका पार्टिसिपेट किया, आफ्टर सेशन मुझे अपने स्कोर जरूर बताएं कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए और उसमें से आपका जो मार्क्स थे वो कितने थे, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर आज के दिन में आपको ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो अगर हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है वो भी क्लियर हुआ होगा और सारी चीजें। तो अगला सेशन जो कि आदित्य सर का होगा जिसमें वो एडिटोरियल जो टॉप बर्निंग इश्यूज है उनके बारे में आपको और साथ ही साथ ग्रामर रूल्स है ना, तो सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड विद टेस्टबुक.com, बाय बाय, टेक केयर ऑल।